नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर ग्रामीण के कलमेश्वर तहसील में 10 वर्षीय मासूम सहित महिला की हत्या, दोहरे हत्याकांड से मची खलबली। नागपुर के हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आया अजीबोगरीब गर्भपात का मामला, YouTube की मदद से युवती का गर्भपात। और रामटेक के सांसद कृपाल तुमाने का सोशल मीडिया अकाउंट हुआ हैक। और अब खबरें विस्तार से। बेसा बेलतरोड़ी सहित 10 गांवों में पिछले 6 दिनों से पानी आपूर्ति बंद होने से लोग हलाकान हो गए हैं। लोग पुनः टैंकर के भरोसे हो गए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के पदाधिकारी समस्या को लेकर कुछ भी गंभीर नहीं है। इन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी फ्लैट स्कीम है, जहाँ पर पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। नल नहीं आने से लोगों की दिनचर्या ही बदल गई है। जीवन प्राधिकरण द्वारा बेसा बेलतरोड़ी पीपला शंकरपुर बेलाहरी हुड़केश्वर खरबी बहादुरा महालगांव कापसी गोनी सीम गांवों में पानी आपूर्ति की जाती है। जानकारों ने बताया कि 6 दिन पूर्व खरबी के पास मुख्य पाइपलाइन टूट गई है, जिसे दुरुस्त करने में MJP अधिकारियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। 3 दिन इसे सुधारने में चले गए। इसके बाद रामा डैम में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है, इस कारण पानी आपूर्ति बंद पड़ी है। बड़ी संख्या में लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। बड़ी बड़ी फ्लैट वाले वर्तमान में प्राइवेट टैंकर के भरोसे पर आ गए हैं। पानी आपूर्ति शुरू होने से ये गायब हो गए थे, लेकिन इन गाँव में पिछले 5 दिनों से टैंकर दौड़ रहे हैं। संकट को देखते हुए टैंकर चालकों ने कीमतें भी बढ़ा दी हैं, जिससे लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। ग्राम पंचायत से भी लोग टैंकर उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पदाधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। जानकारों का कहना है कि रामा डैम के पास MJP और महावितरण के अधिकारी काम कर रहे हैं, इसके जल्द ही ठीक होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अधिकारी 2 दिनों से ऐसा आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सोमवार रात तक पानी आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई थी। सोमवार को हुई महानगर पालिका की विशेष सभा में गड्ढों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के कई पार्षदों की ओर से गत 2 वर्षों में कोरोना की मार, राज्य सरकार से विकास निधि नहीं मिलने तथा बारिश के कारण गड्ढों की भरमार पर आपत्ति जताई, वहीं विपक्षी दलों के पार्षदों ने रखरखाव को लेकर अनदेखी किए जाने के चलते शहर की जनता को यह त्रासदी देने के आरोप लगाए। महानगर पालिका की विशेष सभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद प्रफुल्ल गुड्डे ने कहा कि रोडकरी के शहर में सड़कों पर चर्चा की अनुमति दी गई, यही सराहनीय है। सड़कें क्यों खराब होती है, यही सर्वप्रथम खोज का विषय है। यदि समय समय पर इनका रखरखाव होता है तो गड्ढे पड़ने की नौबत ही नहीं आ सकती है। यदि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता तो जनता को यह गड्ढे देखने नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि चर्चा में तत्कालीन स्थायी समिति के सभापतियों ने हिस्सा लिया, लेकिन सभी ने अपनी अपनी विकास फाइलों पर ही चर्चा की। गड्ढों पर दोनों ओर से किए जा रहे आरोपों पर जवाब देते हुए अधीक्षक अभियंता अजय पोहेकर ने कहा कि गत वर्ष कोरोना काल होने तथा इस मौसम में भारी बारिश के चलते गड्ढों को भरने का काम नहीं किया जा सका है। काम नहीं होने से 40% गड्ढों में इजाफा हो गया। अब बारिश से राहत मिली है, जिससे 15 दिनों बाद गड्ढों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चर्चा के दौरान वरिष्ठ पार्षद आभा पांडे ने कहा कि प्रशासन पर सत्ता पक्ष का नियंत्रण नहीं है, यही कारण है कि कई बार शिकायत के बावजूद उसका निवारण नहीं होता है। प्रशासन की ओर से केवल लीपापोती होती है। गड्ढों के कारण लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। गड्ढों के लिए बारिश का हवाला दिया जा रहा है, जबकि मार्च से ही इसका नियोजन करना चाहिए था। इससे समय रहते हुए अधिकांश हिस्सों के गड्ढे बुझाए जा सकते हैं, लेकिन इस ओर न तो प्रशासन का ध्यान रहा और न ही सत्ता पक्ष ने इसे गंभीरता से लिया है।
कोरोना महामारी के बीच करीब 1.5 वर्ष के बाद मध्य रेल नागपुर मंडल में एक बार फिर पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को लेकर हलचल शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंडल कार्यालय की ओर से रेलवे बोर्ड और मध्य रेल मुंबई जोन को नागपुर स्टेशन से चलने वाली पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को शुरू करवाने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में 6 जोड़ी पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के लिए रैंक मांगा गया है। हालांकि ये ट्रेनें कब से शुरू होंगी इसकी तारीख अभी तक तय नहीं की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवरात्रि के आसपास पैसेंजर ट्रेन सेवा दोबारा शुरू हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रित होते ही रेलवे ने तेजी से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई। पहले मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और प्रीमियम ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। इन्हें स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से नागपुर के आसपास के सभी रेल मंडलों द्वारा पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। दक्षिण मध्य रेल सिकंदराबाद और पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल में भी पैसेंजर ट्रेनें शुरू कर दी गई। ऐसे में इंतजार किया जा रहा था कि नागपुर से पैसेंजर ट्रेनें कब शुरू होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि नागपुर से दोबारा पैसेंजर ट्रेनें शुरू होने से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों में बिना आरक्षित सीट के सफर पर रोक लगा रखी है। साथ ही स्पेशल ट्रेनों का किराया नियमित ट्रेनों से काफी अधिक पड़ रहा है। ऐसे में पैसेंजर ट्रेनें नियमित सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर चलेगी। मध्य रेल नागपुर द्वारा प्रस्तावित ट्रेनों में पैसेंजर और मेमू प्रमुख है। हालांकि इसके अलावा नागपुर भुसावल नागपुर इंटरसिटी वाया इटारसी भी एक प्रमुख और यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी ट्रेन है। यह नागपुर से चलने वाली एकमात्र ट्रेन है जो इटारसी से होते हुए बनापुरा, हरदा, खंडवा फिर भुसावल पहुंचती है। इससे नागपुर से इटारसी के बीच के यात्रियों को बिना ट्रेन बदले भुसावल जाने का सीधा साधन मिलता है। इन दिनों सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। पिछले दिनों नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का भी सोशल मीडिया अकाउंट एक नहीं बल्कि 2 बार हैक किया गया था। हैकर का पता लगाना साइबर टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि आम लोग शिकायत करने की जरूरत ही नहीं समझते, लेकिन नेताओं सहित अधिकारियों को भविष्य के खतरे को ध्यान में रखना, घटना को उजागर करना आवश्यक हो जाता है। इस बीच रामटेक के सांसद कृपाल तुमाने का सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक कर लिया गया। तुमाने ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। बताया गया कि रामटेक के शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने के 2 सोशल मीडिया अकाउंट अज्ञात आरोपी ने हैक कर लिए। इस संबंध में उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। रविवार को बेटी दिवस के उपलक्ष्य में तुमाने ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का पक्ष रखते हुए पाकिस्तान को लताड़ने वाली स्नेहा दुबे की फेसबुक पोस्ट को अपने पेज पर अपलोड किया था। ये पोस्ट जमकर वायरल भी हुई। सोमवार को तड़के उनके फेसबुक अकाउंट के साथ ट्विटर अकाउंट को भी हैक कर लिया गया। इसके बाद हैकर ने DP भी बदल दी। तुमाने ने प्रकरण की शिकायत सिटी पुलिस की साइबर सेल से की। तुर्की से अकाउंट हैक होने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है। पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। जिला परिषद की 16 OBC सीटों और 31 पंचायत समिति सीटों के उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद वैध व फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। 5 अक्टूबर इन सीटों पर मतदान होना है। उम्मीदवारों को अपने प्रचार के लिए केवल 1 सप्ताह का समय ही मिला है, इसलिए अपने सर्कल में उन्हें दिन रात जोर लगाना पड़ेगा। जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव के लिए मुख्य पार्टियों के प्रचार 2 से 3 दिनों से शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन अब यह और जोर पकड़ेगा। नामांकन वापसी के बाद अब 16 जिला परिषद सीटों में कुल 79 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। पहले 100 ने पर्चा दाखिल किया था, जिनमें से 21 ने नाम वापस ले लिए हैं। वहीं पंचायत समिति की 31 सीटों के लिए 154 पर्चे दाखिल किए गए थे, उनमें से 29 ने नाम वापस ले लिए हैं। पंचायत समिति की सीटों के लिए 125 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हैं। जिला परिषद की सीटों के लिए भरे गए नामांकन से 3 अवैध और पंचायत समिति के 4 नामांकन अवैध होने की जानकारी मिली है। इस उपचुनाव में जिले के 6,16,016 मतदान अपने मत का उपयोग करेंगे। उनके लिए कुल 1,115 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से 183 ग्रामीण और 252 केंद्र शहर से सटे इलाकों में है। नरखेड़ तहसील के सावरगांव और भशनूर 2 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। काटोल के येनवा और पारट सिंगा सीटों पर 8 उम्मीदवार, सावनेर की वाकोड़ी और केलवत सीटों के लिए 5, पारशिवनी की कारमभाट सीट के लिए 4, रामटेक की बोथिया पालोरा के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मौदा के अरोली में 7, कामठी गुमथला और वड़ौदा के लिए 9,
नागपुर ग्रामीण में गोदनी रेलवे में 3, हिंगना के नीलडो, डिगडो और डिगडो इसासनी सीट के लिए 16, कुही के राजोला सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके बीच मुकाबला होगा। मुख्य पार्टियों के अमूमन उम्मीदवार ओबीसी वर्ग के ही है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कलमेश्वर तहसील के कलमेश्वर झुनकी रोड स्थित एक खेत में 10 वर्षीय मासूम लड़की व एक महिला की निर्ममता के साथ हत्या कर आरोपी फरार हो गए। इस दोहरे हत्याकांड की घटना से नगर में खलबली मच गई है। कलमेश्वर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार कलमेश्वर झुनकी रोड पर नागपुर के श्रावण घोड़पागे का खेत है। यह खेत उन्होंने कलमेश्वर के ललित गनोरकर को ठेका पद्धति से दिया है। 2 दिन पूर्व 30 वर्षीय एक महिला व 10 वर्षीय बच्ची के साथ एक व्यक्ति गनोरकर के खेत में काम मांगने के लिए आया। इस पर गनोरकर ने उससे कहा कि वर्ष भर काम करना होगा तो काम देता हूँ, नहीं तो अपने साथ लाया हुआ सामान लेकर चले जाओ। परंतु उसने 1-2 दिन रहता हूँ ऐसा कहकर झोपड़ी में रहने लगा। सोमवार को दोपहर 12 बजे गनोरकर जब खेत में पहुंचे तथा उन्होंने झोपड़ी में देखा तो वह महिला व 10 वर्षीय बच्ची मृत अवस्था में पड़ी हुई दिखाई दी। उनके साथ आया व्यक्ति वहां से फरार था। इस संबंध में घटना की सूचना मिलते ही कलमेश्वर पुलिस की टीम नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, सावनेर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी अशोक सरम्बलकर, थानेदार आसिफ रजा शेख ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। घटनास्थल से पत्थर, पावसी, रस्सी मिली। प्राथमिक जांच में पता चला कि महिला का गला दबाने के बाद 10 वर्षीय मासूम लड़की की पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। फरार आरोपी की तलाश में नागपुर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस व कलमेश्वर पुलिस की टीम रवाना कर दी गई। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर कलमेश्वर पुलिस सरगर्मी के साथ उसकी तलाश कर रही है। घरेलू विवाद के चलते 2 लोगों ने अपने ही सगे भाइयों पर हमला कर दिया। एक ने बड़े भाई पर डंडे से वार किया तो दूसरे ने कटर से भाई का शरीर गोद दिया। कलमना और अजनी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। न्यू ओमसाई नगर निवासी रमेश कछवा की शिकायत पर छोटे भाई सुजीत कछवा के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि रमेश अपने परिवार के साथ अलग मकान में रहते हैं, उनकी सुजीत के साथ नहीं बनती। रमेश अपनी माँ से मिलने के लिए घर गए थे, तभी उसने उनसे विवाद और गाली गलौज शुरू कर दी। मेरे घर क्यों आया कहकर डंडे से सिर फोड़ दिया। पड़ोसी सुलामे ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो सुजीत ने डंडे से उनका सिर भी फोड़ दिया। दोनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने प्रकरण की जांच कर रही है। दूसरी घटना अजनी के सावित्रीबाई फुले नगर इलाके में हुई। पुलिस ने विशाल महादेवराव पूसनाके की शिकायत पर उसके बड़े भाई हेमराज पूसनाके के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घरेलू कलह के चलते हेमराज की पत्नी घर छोड़कर गई थी। इस बात को लेकर हेमराज माँ के साथ विवाद कर रहा था। मेरी पत्नी को वापस लेकर आ कहकर गाली गलौज करने लगा। माँ से अभद्रता से पेश आने के कारण विशाल ने उसे फटकार लगाई। इससे चिढ़कर हेमराज ने कटर से विशाल पर हमला कर लिया, पीठ और पेट पर वार कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हेमराज को गिरफ्तार कर लिया। यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक युवती ने प्रेमी के कहने पर YouTube वीडियो देखकर अपना गर्भपात कर लिया। बॉयफ्रेंड ने भ्रूण को दफना भी दिया।
अस्पताल में हुए उपचार के दस्तावेज हाथ लगने पर परिजनों ने युवती से पूछताछ की और सारा मामला सामने आया। जांच पड़ताल में बॉयफ्रेंड पहले से शादीशुदा होने का पता चला। पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात करवाने का मामला दर्ज किया है। आरोपी गरीब नवाज नगर निवासी सोहेल खान बताया गया। 24 वर्षीय पीड़िता अपने परिवार के साथ यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में रहती है। 5 वर्षों से उसके सोहेल के साथ प्रेम संबंध थे। उसने शादी का झांसा देकर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इससे वह 6 माह की गर्भवती हो गई। उसने सोहेल को गर्भवती होने की जानकारी दी और जल्द से जल्द विवाह करने को कहा। सोहेल हमेशा की तरह टाल मटोल करता रहा। ऐसे में युवती ने खुद ही डागा अस्पताल में जाकर अपना उपचार शुरू किया। पति की जगह सोहेल का नाम दर्ज करवाया। डॉक्टरों ने उसे सावधानी बरतने की सलाह दी। 10 अगस्त को युवती के परिजन मुंबई चले गए। इसी दौरान युवती घर में गिर गई। पेट में दर्द शुरू हो गया। उसने सोहेल को फ़ोन लगाया। सोहेल ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर गर्भपात करने को कहा। युवती ने भी उसकी बात मान ली। वीडियो देखकर भ्रूण को बाहर निकाला गया, कैंची से नाल भी काट ली। इसके बाद सोहेल घर पर पहुंचा। उसने भ्रूण लिया और ताजनगर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। बाद में सोहेल ने युवती से दूरी बना ली। विवाह की बात करने पर वह विवाद कर फ़ोन काट देता था। इस वजह से युवती तनाव में थी। उसे अपने भविष्य की चिंता भी सता रही थी। उस दिन पहले परिजन मुंबई से वापस लौट आए। घर में ही बेटी के उपचार के कागजात हाथ लगे। पूछताछ करने पर पीड़ित युवती ने सोहेल के बारे में बताया। लकड़गंज थाना अंतर्गत चिंतेश्वर परिसर में हुई 21 लाख की लूट की वारदात से हवाला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। शहर के हवाला कारोबारी अंडरग्राउंड हो गए हैं। प्रकरण की जांच में जुटी लकड़गंज पुलिस ने इस प्रकरण में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक कमलेश शाह की कुरियर कंपनी में सुरक्षा रक्षक का काम करने वाला रूपलाल लिल्हारे है और दूसरा तांडापेट निवासी उमेश सोनकुसरे है। उल्लेखनीय है कि शनिवार की शाम कंपनी में काम करने वाले रमन पटेल दोपहिया वाहन की डिक्की में 21 लाख रुपए रखकर कंपनी के मैनेजर रोहित पटेल के छापरू नगर स्थित निवास स्थान पर जा रहे थे। इसी समय 3 आरोपियों ने चाकू की नोक पर गाड़ी सहित रकम लूट ली। बताया जाता है कि लिल्हारे ने ही आरोपियों को लूट की टिप दी थी। पुलिस ने शनिवार रात इस प्रकरण में तांडापेट निवासी वेंकटेश पोहाड़ को गिरफ्तार किया था। लूट की पूरी प्लानिंग करने वाला मुख्य आरोपी विवेक बारापात्रे अब भी गिरफ्त से बाहर है। शुरुआत से ही पुलिस को इस मामले में किसी करीबी व्यक्ति द्वारा टिप दिए जाने का संदेह था। सुरक्षा रक्षक रूपलाल लिल्हारे भी तांडापेट परिसर में रहता है और तीनों आरोपी भी इसी इलाके के रहने वाले हैं। ऐसे में पुलिस ने रूपलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि कुछ दिन पहले चर्चा के दौरान उसने विवेक को बताया था कि कंपनी से रोजाना मोटी रकम मैनेजर के घर ले जाई जाती है। विवेक ने उमेश और गोलू की मदद से लूट की योजना बनाई। पहले 2 दिन रेकी की गई और शनिवार को लूट को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि लूट की रकम विवेक के पास है, लेकिन वह गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। हर जिले में भटकती समाज के शालाबाह्य बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने संबंधी आदेश शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने दिए थे, लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी बच्चों को अब तक आसपास के स्कूलों में प्रवेश नहीं मिला है। सोमवार को भरवाड समाज के बच्चों सहित पालकों ने सिविल लाइन्स में आंदोलन किया। इस संबंध में एक ज्ञापन जिला परिषद के मुख्याधिकारी योगेश कुंभेजकर को सौंपा गया। दरअसल पिछले दिनों शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर शालाबाह्य बच्चों की जानकारी हासिल करने और उन्हें स्कूलों में प्रवेश दिलाने के आदेश दिए थे। बंजारा समाज सहित मजदूरी के लिए एक से दूसरे स्थान पर जाने वाले पालकों के बच्चे पढ़ाई से दूर रह जाते हैं। पालकों के पास संबंधित दस्तावेज नहीं होने से स्कूल भी इन्हें प्रवेश देने से आनाकानी करती है। इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने कार्यक्रम तैयार किया है। इसी तरह के राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने अधिकारियों को आदेश दिए थे, लेकिन करीब महीना बीत जाने के बाद भी बच्चे प्रवेश से वंचित हैं। बताया जाता है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भरवाड़ समाज के युवाओं का चयन करने और उन्हें मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए तैयार किया जाना था। इसके लिए एक अधिकारी को भी नियुक्त किया जाना है, लेकिन शिक्षा विभाग ने नियुक्त किए गए अधिकारियों को अब तक रिलीव नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर जिला परिषद के शिक्षण अधिकारी वंजारी भी बच्चों की शिक्षा मिलने की दिशा में सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहे हैं। वंजारी ने शालाबाह्य बच्चों को प्रवेश के लिए कार्यवाही करने का वचन दिया था, लेकिन उस पर अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।
इसके साथ ही काल डोंगरी में डेरे की जगह पर निजी क्लब शाला चलाया जाना था। हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों को प्रवेश के माध्यम से हम लोग आए थे कि 2009 से आरटीआई कायदा है, शिक्षा हक अधिकार हमारा एक कायदा है, उस कायदे के अंदर में हर बच्चा पढ़ना चाहिए, ये केंद्र सरकार का, राज्य सरकार को और सभी राज्यों को इसकी प्रावधान है। लेकिन 2009 से आज तक हम इतने निवेदन देने के बाद भी इन बच्चों के तरफ शिक्षा विभाग का ध्यान नहीं है। अभी हाल ही में एक माह पहले एक मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में एक बच्चू कड़ू साहब, डॉक्टर महात्मे साहब और शिक्षा के सभी जिला अधिकारी यहाँ पे थे, जिला के शिक्षण अधिकारी यहाँ पे थे, उनके सामने बच्चू कड़ू साहब ने बताया था कि 8 दिन के अंदर में इन बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि मैं फिर बाद में सुनूंगा नहीं। लेकिन साहब, उसको आज 1 महीना हो गया है, लेकिन आज भी एक भी बच्चे का एडमिशन हुआ नहीं है। शिक्षक आते हैं, नाम लिखते हैं, लेकिन नाम लिखने से नहीं, उनके रजिस्टर में एंट्री नहीं है, उनके जन्म के दाखिले नहीं लिए हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं है। उनके पालकों की जो सही लेनी चाहिए, एडमिशन का प्राविधान होता है, उस प्रावधान के अनुसार कुछ भी उन्होंने किया नहीं गया है। लेकिन नया एक मामला लाया है कि इन बेड़ों के हम रोटरी क्लब के माध्यम से पालक स्कूल, एक पालावर की स्कूल चालू करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कौन होता है रोटरी क्लब स्कूल चलाने वाला, या ऐसे क्या हमारी सरकारी जो स्कूल है और सरकारी यंत्रणा है वो फेल हो गई है कि हम उनको इनको लेकर आ रहे हैं? और बंजारी साहब को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर इनके पालेवर की स्कूल और इनके पालों के बस स्कूल चलाना है तो आप ऐसे क्लबों को लाते, अपने अतिरिक्त शिक्षक है इनको यहाँ पे लाकर इनके लिए पढ़ाइए, जो आपके बीएड डीएड हुए हुए शिक्षक है उनके माध्यम से इनको पढ़ाइए, तो हमारे बच्चे कुछ पढ़ पाएंगे। हमारी ये बच्चे आज क्यों आए, 1 महीना हो गया, इनका साधा नाम नहीं है, सिर्फ हमारा कुछ मोर्चा नहीं है, हमारा कुछ, हम निवेदन देने आए और हम सर को पूछने आए कि भैया हमको प्रवेश कब मिलेगा। ये प्रत्येक बच्चा साढ़े बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको शिक्षण मिलना चाहिए। तो हमें हर अधिकारी के पास में गए कि भाई ये बच्चे का हमारा एडमिशन किया, अब यहाँ आश्वासन देते हैं कि कल हमारे तुम्हारे यहाँ आएंगे, हमारे मास्टर एडमिशन दिया जाएगा। जब तक इस बच्चे का दाखिल खारिज में नाम नहीं दिखेगा, उसके पालक का माँ बाप का नाम सही नहीं लेके, तब तक मान नहीं सकेंगे ना कि भाई इनके बच्चे के खारिज में दाखिल हुए करके नहीं। उसके बाद में जब ये 26 तारीख को डॉक्टर विकास महात्मे के साथ में और बच्चू कड़ू के साथ में बैठ के हमने बोर्डों में मीटिंग लिया था कि भाई उनने 8 दिन का समय दिया था कि 8 दिन में 84 बेड़े के बच्चे के एडमिशन दाखिल खारिज में होना चाहिए। तो वहाँ के अधिकारी बोलने लगे कि कोरोना है, कोरोना रहने दो, जो बच्चे नहीं आएंगे तब तक मतलब नाम तो डालो। तो उनने 1 महीना हो गया, जाने वाली 26 तारीख को, आज कल की 26 तारीख गई, तो उन अधिकारी ने नहीं मांगा, हमारे से गद्दारी किया बंजारी सर ने। तो ये क्यों करना चाहिए, कितना बड़ा अन्याय क्यों करना चाहिए, इस बच्चे ने क्या, उनका किस्मत क्यों, उनका क्या भाग्य बिगाड़ा है, उनका भाग्य क्यों छीनना चाहिए? तो बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हमें अमुक वहाँ तक ले चलो। नागपुर ग्रामीण, हिंगना, काटोर, सावनेर, कळमेश्वर, उमरेड, नरखेड या ब्लॉकमध्ये भरवाड समाजाची वस्ती आहे आणि ती भटकंती आहे, असे 231 मुलं त्या ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात आलं आणि 231 मुलांना नजीकच्या शाळेमध्ये दाखल करण्यात आले। आज रजिस्टर झाले नसेल तर त्याची यादी, माझ्या 231 मुलांची यादी माझ्याकडे आज आहे। एवढ्या बेड्यावर आम्ही प्रत्यक्ष आमचे माणसं जाऊन आलेले आहे, शिक्षण विभागाची यंत्रणा पूर्ण जाऊन आलेली आहे, त्यांच्याकडनं आम्ही प्रत्येक बेड्यामध्ये घरोघरी जाऊन सर्वे करून त्यांनी जे मुलं असेल त्या मुलांना दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यानुसार मला ही यादी प्राप्त झाली। तो VKB न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।